यस पेट्रोल और डीजल की कीमतें पिछले एक हफ्ते से लगातार बढ़ रही हैं। तकरीबन 3 रुपये पर लीटर का इजाफा हो गया है और बेशर्मी से सरकार रोज लोगों को जो मन लुभावने वादे कर रही है कि हम इस पे विचार करेंगे, जबकि कोई संकेत ऐसा नजर नहीं आता कि सरकार इस पे कोई रिलीफ देना चाहती है। जनता को शरेआम लूटा जा रहा है और सरकार इस पे खूब खुले दिल से पैसा बना रही है। कई लोगों द्वारा तर्क दिया जाता है कि ये जो पैसा ज्यादा सरकार कमा रही है ये डेवलपमेंट पे लगता है। डेवलपमेंट पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा नहीं की जाती, ये बात स्पष्ट है। 15-16 महकमे हैं जो डेवलपमेंट करते हैं, उनके पास अपना अपना बजट है और वो पिछले 25-40 सालों से वो महकमे एग्जिस्ट करते हैं और डेवलपमेंट कर रहे हैं। ये एक बहाना है इशू को डाइवर्ट करने का। दूसरा पॉइंट जो सरकार कहती है कि इंटरनेशनल प्राइसेस से लिंक्ड है इसलिए ये कम नहीं हो सकती, ये शरेआम झूठ है। इंटरनेशनल से नहीं, ये सरकार से लिंक है। ऐसा कौन सा फार्मूला है जो गुजरात इलेक्शन में, कर्नाटका इलेक्शन में वो फार्मूला फ्रीज हो जाता है और इंटरनेशनल प्राइस बढ़ने के बावजूद भी इंडिया में प्राइस नहीं बढ़ता और इलेक्शन खत्म हुई धड़ाधड़ बढ़ने शुरू हो जाता है। कल इंटरनेशनल प्राइस कम हुआ पर पेट्रोल डीजल हिंदुस्तान में बढ़े, तो इसका कोई लिंक नहीं है। ये एक बेवकूफ बनाने वाली जो चाल है वो है। जो सरकार जब ये आई थी तो 113 रुपए से रेट कम होते होते 50 रुपए डॉलर तक आ गया। उसका जो इफेक्ट है लोगों को मिलना चाहिए था और पेट्रोल डीजल बहुत सस्ते भाव में मिलना चाहिए था, पर होता क्या है, सरकार ने एक आमदन का जरिया जो जब बना लेते हैं तो उसमें उसको किसी तरह की कमी मंजूर नहीं होती। जब रेट घटे, अगर सरकार रेट घटाती तो सरकार की आमदनी घटती है। सरकार ने उसको कंपनसेट करने के लिए 9 बार एक साल में एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई ताकि लोगों तक बेनिफिट ना पहुंचे। सरकार की जो किट्टी है, जो उनका मुनाफा है, वो उतना ही बना रहे। अब जब रिवर्स हो गया, प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ने लगे तो सरकार को और ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी जो कोई फिक्स नहीं है कि इतने रुपये लीटर, 21 रुपये लीटर या 22 रुपये पर लीटर होगी, ये परसेंटेज में है। अगर 10% प्राइस बढ़ते हैं तो सरकार को भी 10% एक्स्ट्रा रेवेन्यू मिलता है। तो हर दिन जब प्राइस बढ़ते हैं सरकार ज़्यादा पैसा कमाती है, स्टेट गवर्नमेंट जो वैट लगा के ज़्यादा पैसा कमाती है, इसलिए दोनों ही चुप है, कोई भी एक चीज़ घटाने को तैयार नहीं है, क्योंकि बोझ 3 गुना आम आदमी पे पड़ता है। सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक्साइज ड्यूटी का, वैट की तरफ से स्टेट गवर्नमेंट का, और जो एक्चुअल प्राइस बढ़ा है वो भी है, क्योंकि सरकार कभी अपनी जो ड्यूटी है वो टैक्स जो है फिक्स नहीं। तीसरी बात ये कहा जाता है कि हमें जो ऑयल कंपनी को घाटा हुआ, ऑयल कंपनी को किसी को कोई घाटा नहीं है। 1.5 लाख करोड़ से 3 लाख करोड़ इंडियन ऑयल का प्रॉफिट पहुंच गया है। आप बैलेंस शीट देखिए, पब्लिक करिए बैलेंस शीट, ऑयल कंपनियों ने कितना पैसा कमाया है पिछले 2 साल, क्योंकि उनका प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है। तो घाटा किसको है? घाटा सिर्फ आम आदमी को है। समझिए, ये प्राइस बढ़ाए जाएंगे और तब ये रोके जाएंगे जब इलेक्शन हो जाएगी, और एक छोटी सी रिलीफ आने वाले समय में 1 रुपया 2 रुपये की दी जाएगी, सिर्फ एक पब्लिक ओपिनियन बनाने के लिए कि हमने कम कर दिया, ये प्राइस बढ़ते जाएंगे। yes. बढ़ते जाएंगे। पेट्रोल और डीजल की कीमतें पिछले एक हफ्ते से लगातार बढ़ रही हैं। तकरीबन 3 रुपए पर लीटर का इजाफा हो गया है और बेशर्मी से सरकार रोज लोगों को जो मन लुभावने वादे कर रही है कि हम इस पे विचार करेंगे, जबकि कोई संकेत ऐसा नज़र नहीं आता कि सरकार इस पे कोई रिलीफ देना चाहती है। जनता को शरेआम लूटा जा रहा है और सरकार इस पे खूब खुले दिल से पैसा बना रही है। कई लोगों द्वारा तर्क दिया जाता है कि ये जो पैसा ज़्यादा सरकार कमा रही है ये डेवलपमेंट पे लगता है। डेवलपमेंट पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा नहीं की जाती, ये बात स्पष्ट है। 15-16 महकमे हैं जो डेवलपमेंट करते हैं, उनके पास अपना अपना बजट है और वो पिछले 25-40 सालों से वो महकमे एग्जिस्ट करते हैं और डेवलपमेंट कर रहे हैं। ये एक बहाना है इशू को डाइवर्ट करने का। दूसरा पॉइंट
जो सरकार कहती है कि इंटरनेशनल प्राइसेस से लिंक्ड है इसलिए ये कम नहीं हो सकती, ये शरियां झूठ है, इंटरनेशनल से नहीं ये सरकार से लिंक है। ऐसा कौन सा फार्मूला है जो गुजरात इलेक्शन में, कर्नाटका इलेक्शन में वो फार्मूला फ्रीज हो जाता है और इंटरनेशनल प्राइस बढ़ने के बावजूद भी इंडिया में प्राइस नहीं बढ़ता और इलेक्शन खत्म हुई धड़ाधड़ बढ़ने शुरू हो जाता है। कल इंटरनेशनल प्राइस कम हुआ पर पेट्रोल डीजल हिंदुस्तान में बढ़े, तो इसका कोई लिंक नहीं है। ये एक बेवकूफ़ बनाने वाली जो चाल है वो है। जो सरकार जब ये आई थी तो 113 रुपए से रेट कम होते होते 50 रुपए डॉलर तक आ गया, उसका जो इफेक्ट है लोगों को मिलना चाहिए था और पेट्रोल डीजल बहुत सस्ते भाव में मिलना चाहिए था। पर होता क्या है, सरकार ने एक आमदन का जरिया जो जब बना लेते हैं तो उसमें उसको किसी तरह की कमी मंजूर नहीं होती। जब रेट घटे, अगर सरकार रेट घटाती तो सरकार की आमदन भी घटती है। सरकार ने उसको कंपनसेट करने के लिए 9 बार एक साल में एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई ताकि लोगों तक बेनिफिट ना पहुंचे, सरकार की जो किट्टी है जो उनका मुनाफा है वो उतना ही बना रहे। अब जब रिवर्स हो गया, प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ने लगे तो सरकार को और ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि एक्साइज ड्यूटी जो कोई फिक्स नहीं है कि इतने रुपए लीटर, 21 रुपए लीटर या 22 रुपए पर लीटर होगी, ये परसेंटेज में है। अगर 10% प्राइस बढ़ते हैं तो सरकार को भी 10% एक्स्ट्रा रेवेन्यू मिलता है। तो हर दिन जब प्राइस बढ़ते हैं सरकार ज़्यादा पैसा कमाती है, स्टेट गवर्नमेंट जो वैट लगा के ज़्यादा पैसा कमाती है, इसलिए दोनों ही चुप है, कोई भी एक चीज़ घटाने को तैयार नहीं है क्योंकि बोझ 3 गुना आम आदमी पे पड़ता है, सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक्साइज ड्यूटी का, वैट की तरफ से स्टेट गवर्नमेंट का, और जो एक्चुअल प्राइस बढ़ा है वो भी है क्योंकि सरकार कभी अपनी जो ड्यूटी है वो टैक्स जो है फिक्स नहीं। तीसरी बात ये कहा जाता है कि हमें जो ऑयल कंपनी को घाटा हुआ, ऑयल कंपनी को किसी को कोई घाटा नहीं है, 1.5 लाख करोड़ से 3 लाख करोड़ इंडियन ऑयल का प्रॉफिट पहुंच गया है। आप बैलेंस शीट देखिए, पब्लिक करिए बैलेंस शीट, ऑयल कंपनियों ने कितना पैसा कमाया है पिछले 2 साल में, क्योंकि उनका प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है। तो घाटा किसको है, घाटा सिर्फ आम आदमी को है, समझिए। ये प्राइस बढ़ाए जाएंगे और तब ये रोके जाएंगे जब इलेक्शन हो, और एक छोटी सी रिलीफ आने वाले समय में 1 रुपया 2 रुपये की दी जाएगी सिर्फ एक पब्लिक ओपिनियन बनाने के लिए कि हमने कम कर दिया, ये प्राइस बढ़ते जाएंगे, रुकेंगे तभी जब इलेक्शन आएगी। Yes. पेट्रोल और डीजल की कीमतें पिछले एक हफ्ते से लगातार बढ़ रही हैं, तकरीबन 3 रुपये पर लीटर का इजाफा हो गया है और बेशर्मी से सरकार रोज लोगों को जो मन लुभावने वादे कर रही है कि हम इस पे विचार करेंगे, जबकि कोई संकेत ऐसा नजर नहीं आता कि सरकार इस पे कोई रिलीफ देना चाहती है। जनता को शरेआम लूटा जा रहा है और सरकार इस पे खूब खुले दिल से पैसा बना रही है। कई लोगों द्वारा तर्क दिया जाता है कि ये जो पैसा ज़्यादा सरकार कमा रही है ये डेवलपमेंट पे लगता है। डेवलपमेंट पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा नहीं की जाती, ये बात स्पष्ट है। 15-16 महकमे हैं जो डेवलपमेंट करते हैं, उनके पास अपना अपना बजट है और वो पिछले 25-40 सालों से वो महकमे एग्जिस्ट करते हैं और डेवलपमेंट कर रहे हैं। ये एक बहाना है इशू को डाइवर्ट कर देगा। दूसरा पॉइंट, जो सरकार कहती है कि इंटरनेशनल प्राइसेस से लिंक्ड है इसलिए ये कम नहीं हो सकती, ये शरियां झूठ है, इंटरनेशनल से नहीं ये सरकार से लिंक है। ऐसा कौन सा फार्मूला है जो गुजरात इलेक्शन में, कर्नाटका इलेक्शन में वो फार्मूला फ्रीज हो जाता है और इंटरनेशनल प्राइस बढ़ने के बावजूद भी इंडिया में प्राइस नहीं बढ़ता और इलेक्शन खत्म हुई धड़ाधड़ बढ़ने शुरू हो जाता है। कल इंटरनेशनल प्राइस कम हुआ पर पेट्रोल डीजल हिंदुस्तान में बढ़े, तो इसका कोई लिंक नहीं है। ये एक बेवकूफ़ बनाने वाली जो चाल है वो है। जो सरकार जब ये आई थी तो 113 रुपए से रेट कम होते होते 50 रुपए डॉलर तक आ गया, उसका जो इफेक्ट है लोगों को मिलना चाहिए था और पेट्रोल डीजल बहुत सस्ते भाव में मिलना चाहिए था। पर होता क्या है, सरकार ने एक आमदन का जरिया जो जब बना लेते हैं
तो उसमें उसको किसी तरह की कमी मंजूर नहीं होती। जब रेट घटे, अगर सरकार रेट घटाती तो सरकार की आमदनी घटती है। सरकार ने उसको कंपनसेट करने के लिए 9 बार एक साल में एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई ताकि लोगों तक बेनिफिट ना पहुंचे, सरकार की जो किट्टी है, जो उनका मुनाफा है, वो उतना ही बना रहे। अब जब रिवर्स हो गया, प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ने लगे, तो सरकार को और ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी जो कोई फिक्स नहीं है कि इतने रुपए लीटर, 21 रुपए लीटर या 22 रुपए पर लीटर होगी, ये परसेंटेज में है। अगर 10% प्राइस बढ़ते हैं तो सरकार को भी 10% एक्स्ट्रा रेवेन्यू मिलता है। तो हर दिन जब प्राइस बढ़ते हैं, सरकार ज़्यादा पैसा कमाती है, स्टेट गवर्नमेंट जो वैट लगा के ज़्यादा पैसा कमाती है, इसलिए दोनों ही चुप है, कोई भी एक चीज़ घटाने को तैयार नहीं है, क्योंकि बोझ 3 गुना आम आदमी पे पड़ता है, सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक्साइज ड्यूटी का, वैट की तरफ से स्टेट गवर्नमेंट का, और जो एक्चुअल प्राइस बढ़ा है वो भी है, क्योंकि सरकार कभी अपनी जो ड्यूटी है वो टैक्स जो है फिक्स नहीं। तीसरी बात ये कहा जाता है कि हमें जो ऑयल कंपनी को घाटा हुआ, ऑयल कंपनी को किसी को कोई घाटा नहीं है, 1.5 लाख करोड़ से 3 लाख करोड़ इंडियन ऑयल का प्रॉफिट पहुंच गया है। आप बैलेंस शीट देखिए, पब्लिक करिए बैलेंस शीट, ऑयल कंपनियों ने कितना पैसा कमाया है पिछले 2 साल में, क्योंकि उनका प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है। तो घाटा किसको है? घाटा सिर्फ आम आदमी को है, समझिए। ये प्राइस बढ़ाए जाएंगे और तब ये रोके जाएंगे जब इलेक्शन हो, और एक छोटी सी रिलीफ आने वाले समय में 1 रुपया 2 रुपये की दी जाएगी, सिर्फ एक पब्लिक ओपिनियन बनाने के लिए कि हमने कम कर दिया, ये प्राइस बढ़ते जाएंगे, रुकेंगे तभी जब इलेक्शन आएगी। जय हिंद।